हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, जनकपुर का जो ब्लॉग है मैंने शूट करके रखा था, और जनकपुर से मैं दो चार रोज पहले आ गया था, और हमारा जो है बीए पार्ट वन का एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। बस यही रीज़न है, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। तो आज जैसे तैसे मैंने ब्लॉग एडिट किया है, तो मैं सोचा चलो आज आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो ये पार्ट थ्री होगा, और इसमें माता सीता और श्री राम जी और लक्ष्मण जी और बाबा बजरंगबली को साथ में आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मंदिर पे दर्शन करने के लिए। जो भी मन्नतें होते हैं यहाँ, मन्नतें मांगते हैं, उनका मन्नतें यहाँ जो है पूरा होता है। और ये देखिए गाइज, क्या डेकोरेशन है, देख सकते हो। काफ़ी देखिए, कितना काफ़ी अच्छा से डेकोरेशन किया गया है। और ये मेन गेट है, तो अभी चलते हैं अंदर। ये है मेन गेट जनकपुर धाम, जो अंदर मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, ये मेन गेट है। और हमारा लाल भैया भी है, और इधर जीजा जी का भाई है चांद। हाय बोलो सबको, एक बार हाय बोलो सबको, हाय ऐसे। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर और दर्शन करते हैं, आइए। और बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस, और यहाँ है, और देखिए गाइस कितना श्रद्धालु भक्त लोग जो है यहाँ आए दर्शन करने के लिए। देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। फिलहाल इधर कॉल है, इधर जो है हम पाँव धो लेते हैं। और देख सकते हो गाइस यहाँ कितना श्रद्धालु भक्त है, और देखिए कितना दूर से लोग जो है यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और इधर का नजारा देखिए। फिलहाल चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते। जय माँ सीता। और ये देखिए गाइस मंदिर में देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, और इधर अंदर का व्यू देखो गाइस, काफी प्यारा लग रहा है। देख सकते हो गाइस, ये देखिए अंदर का व्यू, और दर्शन करते हैं। और ये अंदर में है देखिए माँ सीता और श्री राम जी, तो अंदर का है। फिलहाल अभी देख सकते हो आप लोग, मैं मंदिर में आ चुका हूँ, और इधर माँ सीता और श्री राम जी का, और यहाँ देखिए भगवान है, और यहाँ आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। भक्त है, और देखिए सब यहाँ दर्शन करने के लिए आए, और गेट देखिए बंद हो चुका है गाइस। फिलहाल आप लोग ने दर्शन करा दिया, और मेरा लाल भैया मिल गया, तभी हम भी प्रसाद खाएंगे गाइस, और आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। और ये हमको बताइए यहाँ आने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है हम लोग को, इतना सुकून मिलता है ना कि यहाँ से इच्छा नहीं होगा आप लोग को, यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। आप लोग भी आओ कभी इधर मिथिलांचल नेपाल। तो सामने में ये है सेकेंड गेट, फ्लावर्स है जो है फोटो शूट करवाए हैं, अभी जो है अंदर गया हुआ है फोटो शूट करके, अभी निकाल के हम लोग को देगा। और इतना ज्यादा धूप है ना, क्या बताएगा इस दिख में। तो अभी इधर फोटो शूट वाले रूम पे आ गए भैया की दुकान पे, तो अभी भैया फोटो निकाल के देंगे, अभी इधर प्रिंट हो रहा है। और ये देखिए यूट्यूबर है हमारा, और इधर लाल भैया। गर्मी लग रहा था हम लोग को, तो अभी इधर आ गए, ऊपर पंखा चल रहा है, तो अब थोड़ा राहत मिल रहा है। इधर निकल चुका है, अभी हम लोग ये फोटो शूट करवाए हैं माता रानी के मंदिर में, और देखिए काफी बड़ा फोटो है, अब काफी अच्छा लग रहा है। सर कर दीजिए, हम लोग जाएंगे। इधर देखिए आप लोग को बाहर में दिखाते हैं, देखिए। आई होप आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगे, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।